हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास नाइन्थ का, जिसको LEST बोलते हैं, लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, उसका पेपर सभी बच्चों ने दे दिया। बच्चे बहुत अच्छा पेपर करके आए। हमने पूरे पेपर की आंसर की है वो अपलोड कर दी है। आप हमारे चैनल पे मैथ्स, जनरल साइंस, आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, इन चारों सब्जेक्ट की आंसर की आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी आंसर की को मैच करो। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या कट ऑफ रहेगी, और ये आधारित रहेगी लास्ट ईयर की जो हमने RTI के बेस पे कट ऑफ मंगाई थी उसके बेस पे। तो उसमें क्या कट ऑफ रही थी और इस बार क्या रहेगी पेपर का लेवल देखते हुए उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, मैं बता दूं आपको, पेपर कहीं ना कहीं पहली बार से 5% आसान रहा है। पहली बार से पेपर का लेवल कम रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकलती है JNVA में, जवाहर नवोदय विद्यालय में, जो कक्षा 6 में बच्चे भर्ती होते हैं, उसके बाद जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं JNVA को किसी कारणवश, तो उसके बाद जो वैकेंसी रह जाती है उसको कवर करते हैं ये क्लास नाइन्थ में। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी होती है। एक नवोदय मान के चलिए 5 से 6 वैकेंसी होती है, और सारी कैटेगरी में भी वैकेंसी नहीं होती कि भाई सारी कैटेगरी में वैकेंसी होती है, वो डिपेंड करता है किस तरह की सीट खाली है। तो पूरे भारत के अलग अलग नवोदय की अलग अलग कट ऑफ लगती है, लेकिन हम एक नवोदय की हमने RTI लगाई थी उसके बेस पे हम एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि उसकी कट ऑफ क्या रही थी, तो उसी आसपास सारे नवोदय की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो हम उस आइडिया को देखेंगे कि किस प्रकार से हमें करना है। तो आप देख रहे हैं क्या रहेगा सेफ स्कोर कट ऑफ आपका नवोदय विद्यालय, जो आपका 11 फरवरी आज यानी एग्जाम हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरी बात यह है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग हमारे चैनल पे सबसे पहले, सबसे सटीक, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ मिलती है। आपके जो यंगर ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जान पहचान वाले हैं, वो सारी, उनको भी आपको गाइडेंस देने की भी एक चैनल ऐसा है जो आपको ऐसी तैयारी कराएगा जहाँ से आपका सिलेक्शन इन सारे स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में हो जाएगा। 9 तक आपको नहीं जाना पड़ेगा। आपके कोशिश ये होनी है अपने छोटे भाई बहनों को कि उनको 6 में ही सिलेक्शन करा लेना है, सो दैट उनको एक करियर बनाने का, उनको इन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट को एक इनकी जो बेस है उसी से ही इनकी तैयारी कराई जाए, उसी से ही चलेंगे, मतलब पहले ही उनका सिलेक्शन हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, लाइक करना जब आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि मैं पिछली साल की जो कट ऑफ रही उसके आधार पर इस साल क्या रहेगी उसको पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। चलिए, तो बच्चों थोड़ा देखते हैं लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी। पहले देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहा, क्या होता है इसका एग्जाम पैटर्न। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 35 मार्क्स मैथ्स, 35 जनरल साइंस, और 15 मार्क्स जनरल इंग्लिश, और 15 मार्क्स आपका हिंदी। तो टोटल 100 मार्क्स, 2 आवर का क्वेश्चन पेपर होता है, OMR बेस होता है, ऑफलाइन पेपर होता है। जनरली ये जवाहर नवोदय विद्यालय में ही कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन कुछ सेंटर अलग भी थे, तो हमारा सेंटर गाजियाबाद में था, वहाँ से हमारे जो बच्चे भी गए हुए थे तैयारी करने के लिए, देते हैं हमारे यहाँ से बच्चों ने दिया है पेपर, तो उसके आधार पर हम देखेंगे। तो 100 मार्क्स से बनेगा ये, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगी है, जरूरी नहीं सारी जगह सारी कट ऑफ फिट रहेगी। भाई किसी, मान के चलो कोई राजस्थान में स्कूल है और वहाँ पर ST की कोई वैकेंसी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको जनरल के अप्लाई किया होगा तो मिलेगा। ठीक, चलो देखते हैं भाई एक बार। तो भाई आपके सामने देखो ये ऑनलाइन, आप इसको ध्यान से देख लो, ऑनलाइन RTI फॉर्म हमने लगाया था। ठीक है, और इसमें आप यहाँ से देखोगे, इसको देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये एक्चुअली पिक्चर फॉर्म में है, तो यहाँ से देखो ये क्लियर, ये रहा क्लास 9 JNVST। ठीक है, ये वाला हो गया फैजाबाद और फरुखाबाद का लगाया था। ठीक, तो ये हम लोगों ने लगाया था कैटेगरी वाइज का जो है ये कट ऑफ का ये है। तो इसको आप में देखते हुए मैं पूरा आपको दिखाऊंगा कि क्या है इसमें। तो कुल मिला के ये है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, तो ये एक प्रकार से जूम नहीं हो पाएगा पिक्चर, इतना मैंने आपको दिखाया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या रहेगा, इसके आधार पर हमने निकाल लिया कि इस बार क्या रहने वाला है, क्योंकि जरूरी इस साल का है, लास्ट ईयर का जरूरी नहीं है। ये तो हमने मंगवाया था, तो उसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिली पूरी की पूरी, तो हमारी टीम ने। तो चलो देखते हैं कि क्या रहेगी कट ऑफ इस बार की। इस बार की कट ऑफ बच्चों ये रहेगी, आपके सामने आ गई कट ऑफ, ये है आपका, यहाँ से बनाओ अपना टारगेट। कैटेगरी जनरल 90+ पे कट ऑफ रहेगी, 90 से जिसके नीचे हैं वो छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, अपनी तैयारी में लग जाओ बोर्ड एग्जाम की, इसके रिजल्ट के इंतजार मत करना। OBC 85, SC 70 और ST 60, अगर ये है वैकेंसी, अगर वैकेंसी है तब होगा ये। ये एक आसपास का स्कोर आप चेक करो, आंसर की से मिला, अगर ये स्कोर आपका बन रहा है तो बच्चों यहां से आपका सिलेक्शन की रास्ता आसान हो जाएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने का सपना आपका पूरा हो जाएगा बच्चों। तो ये है एक प्रकार, दोबारा से देख लो, जनरल 90+ मार्क्स रहेंगे, 90 तो चाहिए कम से कम, OBC 85, SC 70 और ST 60,
तो इस मार्क्स को लास्ट ईयर के कट ऑफ के आधार पे हमने बनाया है, हमने पूरा एनालिसिस किया है इसको, ठीक है, उस आधार पे हमने इस कट ऑफ को डिक्लेयर किया है। तो यहां से आप बच्चों देखो कि क्या आपका बनना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, आंसर की अपलोड हो चुकी है बच्चों। आपको क्या करना है, हमारे चैनल से पहले आंसर मैच कर लेना, पहले देख लेना कि क्या स्कोर आपका बैठ रहा है, तब आपको करना है, तब इस कट ऑफ को देखेंगे, देन आपका क्लियर होगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन आ रहा है, लग रहा है कि हो जाएगा, कंग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हो रहा है कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जिनकी बहुत पड़ी है बच्चों, बहुत लंबा करियर है, टेंथ में मेहनत करो, NDA CDS आपके बहुत सारे एग्जाम है, उनकी तैयारी करो, अपने करियर को वहाँ से भी आप सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।